सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, आचार संहिता लगने के तुरंत बाद, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी प्रचार में उतरे, इसलिए चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि उनका यह दाव 100% उल्टा पड़ गया है। चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे पंजाब के लोग हो, या आप देश भर में अलग अलग हिस्सों में चले जाइए, वहां पर आम जनता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का विरोध कर रही है, लोकतंत्र पे इस हमले का विरोध कर रही है, और लोग एक सुर में कह रहे हैं, खासकर के दिल्ली में और पंजाब में, कि हम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का जवाब लोकसभा चुनाव के अपने वोट से देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी खुद प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली के लोगों से, पंजाब के लोगों से, गुजरात के लोगों से, हरियाणा के लोगों से अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगेंगी। सुनीता केजरीवाल जी का प्रचार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए कल से शुरू होगा। दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। कल 27 अप्रैल को सुनीता केजरीवाल जी ईस्ट दिल्ली लोकसभा में रोड शो करेंगी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ईस्ट दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगेंगी। 28 अप्रैल को सुनीता केजरीवाल जी वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर रोड शो करेंगी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को अपना वोट। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635, राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045।
फोन नंबर है 011-4932-3811 और 9310-81-5643। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।